नमस्कार, पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव के सामने सपा से सांसद रह चुके और शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। दो बार सांसद और एक बार विधायक रघुराज शाक्य पिछड़ा वर्ग में अच्छी पैठ रखते हैं। एक दिन पूर्व ही डिम्पल यादव ने मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और अब बीजेपी प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इटावा निवासी रघुराज सिंह शाक्य सपा में रहते हुए 1999 और वर्ष 2004 में इटावा से सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से उन्होंने जीत हासिल की। मैनपुरी में रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाए जाने के पहले से ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे थे। मैनपुरी में डिम्पल के सामने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक समीकरण लगाए जाने शुरू हो गए हैं। लोग मान रहे हैं कि रघुराज सिंह शाक्य भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि शिवपाल की सपा से पारिवारिक तल्खी और शिवपाल से रघुराज की नजदीकियां चुनाव में फायदा पहुंचा सकती हैं। माना जा रहा है कि अब चुनाव रोचक होगा। बीजेपी हर हाल में सपा का मिथक तोड़ने के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह की विरासत डिम्पल के नाम होगी या बीजेपी मैनपुरी में सेंध लगा पाएगी। तो बीजेपी ने भी मैनपुरी से आज अपने पत्ते खोल दिए हैं और रघुराज शाक्य का नाम सामने आया है बीजेपी की तरफ से। अब डिम्पल यादव को कैसा मुकाबला वो दे पाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो बेहद अहम इस सीट को माना जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और सपा का गढ़ ये सीट हमेशा से रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, वहीं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। भुवन भास्कर जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो डिम्पल यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया, उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है, लेकिन आज बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। अब रघुराज शाक्य कैसा मुकाबला डिम्पल यादव को इस सीट पर देंगे? आपके गढ़ ये सीट रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जयरा जी, जब ये चुनाव हो रहा है मैनपुरी का, ये वहाँ की जनता आतुर है माननीय सरदेव नेताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए। और जब परिणाम आएगा तो जयरा जी आप देखेंगे कि लोगों का कितना स्नेह माननीय नेताजी के प्रति था। और माननीय डिम्पल यादव जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, सरलता, सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति रही है। और कोरोना काल में तो मैं कह सकता हूँ कि जब सारे पूरे उत्तर प्रदेश की कोई भी नेत्री सड़क पे नहीं थी, केवल माननीय डिम्पल यादव जी उस समय कोरोना काल में सेवा करने का काम अपने परिवार सहित कर रही थी, ये उनको भीड़ से अलग बनाने का काम करता है। इसके साथ जहां तक अनुभव की बात आती है, सांसद के रूप में उनका अनुभव, लोगों से उनका जुड़ाव, परिवार में उनकी एक साथ, निश्चित तौर पे ही बताने को काफी है कि माननीय डिम्पल यादव जी बहुत भारी मंत्रों से वहां पर चुनाव जीतने जा रही है। जी, तो इसी वजह से डिम्पल यादव का नाम सामने आया है, क्योंकि इस सीट पर किसी परिवार के सदस्य को ही चुनना उन्होंने बेहतर समझा अखिलेश यादव ने, क्योंकि गढ़ रही है ये जो सीट है ये आप लोगों की और मुलायम सिंह यादव की, एक अच्छा खासा जनाधार इस इलाके में है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को यहाँ से मैदान में उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि जो शिवपाल यादव है उनके काफी करीबी वो माने जाते हैं, तो इस बात का असर पड़ सकता है क्या चुनावों में? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता जी का एक भाव रहता था कि ये राजनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाएं आए और अधिक से अधिक युवा आए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नेताजी का जो सोच था उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए डिम्पल यादव जी को खड़ा करा है। निश्चित तौर पे ये जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम नेताजी के विचारों को, नेताजी के सिद्धांतों को, नेताजी के मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है।
जी जी, लेकिन भुवन जी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि जो शिवपाल यादव है उनके करीबी माने जाते हैं रघुराज शाह के, तो इस चीज का क्या असर पड़ेगा? मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन राजेश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या अब रघुराज शाह के का नाम जब सामने आया है तो तमाम तरह की बातें उठ रही है कि शिवपाल यादव की वो बहुत ज्यादा करीबी है, इस वजह से उन्हें इस सीट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है डिम्पल यादव के सामने, आपको कैसा मुकाबला लग रहा है कि हो सकता है? राजेश सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी राजेश सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, आपसे जी जी आपसे ये जानना चाह रहे थे कि अब रघुराज शाक्य को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है मैनपुरी में, तो डिंपल यादव को वो कैसा मुकाबला दे सकते हैं? लगातार हम देख रहे हैं सपा का गढ़ रही है ये सीट और मुलायम सिंह यादव का एक अच्छा खासा जनाधार पूरे इलाके में है, तो आपको लगता है कि इस सीट पर वो जीत दिला पाएंगे आप लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। अब प्रदेश की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के साथ है और जो विकास कर रहा है अब उसी के साथ जनता है। अब गुंडा राज, जंगल राज, तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से मैनपुरी की जनता उनके साथ है और उनको जिताएगी। जी, तो जो करीबी उनकी शिवपाल यादव से है, कहीं इसी वजह से तो उनका नाम सामने नहीं आया है, क्या अब यह वजह हो सकती है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद ही टिकट डिसाइड करती है, जो जिताऊ कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देती है और वो जीत करके भी आते हैं। देखिए, नाम तो बहुत सामने आ रहे थे जब तक घोषित नहीं हुआ था नाम, लेकिन मोहर इनके नाम पर लगी है, क्या वजह इसके बड़ी पीछे मानी जा रही है? क्योंकि शिवपाल यादव से जो संबंध है समाजवादी पार्टी के, वो किसी से यहाँ पर छुपे नहीं हैं और उन्हें टिकट नहीं मिला था रघुराज शाक्य को विधानसभा चुनावों में, इसी वजह से वो अपनी पार्टी प्रसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या इस तरह से भी इसे देखा जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए देखिए जयराज जी, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट बंटवारे का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत जो सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालता है उसी पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके टिकट देती है, उसमें पूरी तरीके से सर्वे के आधार पे और जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं उसी पे भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाती है। ठीक है, चलिए भुवन भास्कर जी, वही सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले आपने इस बात का जवाब नहीं दिया था मुझे, इसलिए मैं दोबारा आपसे ये पूछ रही हूँ कि शिवपाल यादव से जो करीबी संबंध है रघुराज शाक्य के, क्या इस बात का आपको नुकसान हो सकता है इस सीट पर? आप शायद म्यूट, जी जी कहिए कहिए, आप ही के विषय में आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कल पूरे प्रदेश और देश के सामने हमारी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने बताया था कि माननीय शिवपाल जी का पूरा आशीर्वाद माननीय डिंपल जी के साथ है, तो इसमें अब चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं बची है। और उसके बाद माननीय शिवपाल जी का कोई बयान भी नहीं आया इस तरह से, निश्चित तौर पर ये बताने को काफी है कि पूरा परिवार एकजुट है। और मैं तो कहना चाहता हूँ मैनपुरी की जनता ने संकल्प ले लिया है कि नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजा। जी, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शिवपाल यादव जी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन नामांकन के दौरान जब तमाम परिवार के सदस्य मौजूद थे डिंपल यादव के साथ, तो वो क्यों नहीं पहुंचे थे वहां पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी के अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके भी कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनसे बात हो गई, राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी का जो बयान आ गया, ये बताने को काफी है। जी, तो आपको क्या लगता है कि देखिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और आप लोगों का जनाधार इस सीट पर रहा है, तो क्या सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने के लिए, एक सहानुभूति वोट बैंक के जरिए आप इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं? क्योंकि और भी तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता के जहन में होते हैं, जैसे विकास की तमाम बातें हैं, किसानों के मुद्दे हैं, क्या उस चीज का असर नहीं पड़ेगा इस बार? देखिए, मैं आपसे कितना कहना चाहता हूँ, जो नेताजी का संपूर्ण जीवन था वो सेवा करते हुए तन समर्पित मन समर्पित ये सारा जीवन समर्पित, इस भाव से नेताजी ने अपना जीवन मैनपुरी के क्षेत्र के लोगों को दिया है। निश्चित तौर पे ये चुनाव हो रहा है, मैनपुरी में जो उनका विकास कार्य है वो मैनपुरी के लोगों से उनका जो जुड़ाव है उसको लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं अभी अभी दिवाली गई है, अधिकांश क्षेत्रों में मैनपुरी में दिवाली नहीं मनाई गई क्योंकि
लोगों का जो विश्वास है, लोगों ने अपना जैसे एक परिवार का सदस्य खो दिया, वो फिर वहां पर देखने को मिला। निश्चित तौर पर इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हर मैनपुरी का व्यक्ति आतुर है अपने नेताजी को श्रद्धांजलि देने को। जब ये चुनाव का परिणाम आएगा, ये चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया और जनता जो नेताजी का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल यादव जी को निश्चित तौर पर भारी मतों से विजय बनाने जा रही। चलिए ठीक है, राजेश सिंह जी, क्या लगता है आपको, क्या समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ पर जीत हासिल करेगी? और आपको नहीं लगता है कि इतने टाइम से लगातार समाजवादी पार्टी ही वहां पर जीत हासिल करती आ रही है, तो रघुराज शाक्य अब किस आधार पर, आपने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है, आपको क्या लगता है कि किस आधार पर आप जीत सकते हैं इस सीट पर, क्या लगता है? परिवारवाद सिंपल उठ चुकी है, मतलब लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र तो है नहीं कि हमेशा एक ही परिवार को सीट जाती रहेगी। अब जनता उस बात को समझती है, आदरणीय मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता थे और भावनात्मक रूप से जनता उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। मुलायम सिंह की बात अलग थी और अब डिंपल जी की बात अलग है। अब तो जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को पसंद कर रही है और जो एनसीआरबी के जो डाटा है कि अपराध में जो कमी आ रही, दंगा शून्य प्रदेश हो गया है, निरंतर विकास की तरफ जो प्रदेश चल रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने जो कैंडिडेट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरी तरीके से वो जीत के आएंगे। अब परिवारवाद और जातिवाद और तुष्टिकरण की जो राजनीति थी, अब उससे पूरी जनता ऊपर उठ चुकी है। अब ये लोग केवल जात के आधार पे और परिवारवाद के आधार पे वोट मांग रहे हैं लोकसभा की जनता से, लेकिन वो संभव नहीं है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वो जीत के आएगा और बंपर वोटों से जीतेगा। लेकिन आपको नहीं लगता अगर भावनात्मक तरीके से सोचा जाए तो समाजवादी पार्टी की जीत लगभग निश्चित इस सीट पर देखने को मिल रही है, अगर हम इस नजर से सोचें? लेकिन मुद्दों की अगर हम बात करें तो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन अगर इमोशनली सोचे या फिर सहानुभूति के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा क्या भारी है, क्या लगता है? नहीं नहीं जायरा जी, वही हमने कहा ना कि मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन डिंपल जी कोई जमीन से तो जुड़ी नहीं है, वो तो केवल आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम पर वोट मांगे, तो जनता उस बात को समझती है कि कौन विकास कर सकता है लोकसभा में। तो अब जनता जनार्दन इस बात को समझ रही है कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमें परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति पर उठना होगा। अब इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे बूथ बूथ जा रहे हैं और लोगों के घर घर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीट पे बंपर जीतोगे और इतिहास बदलेगा। राजेश सिंह जी यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस सीट पर मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव जी तो है नहीं, तो डिंपल यादव के सामने बीजेपी प्रत्याशी भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, इसलिए डिंपल यादव है यहाँ पर। अगर मुलायम सिंह होते तो माना जा सकता था कि सपा की जीत होगी, लेकिन डिंपल यादव जमीनी स्तर पर इतनी एक्टिव नहीं है, इसलिए फायदा नहीं होगा आप लोगों को। कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के उस परिवारवाद की बात आपको बता दूं, इनका परिवारवाद कहाँ तक फैला हुआ है। अभी अभी चुनाव हुआ, अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को टिकट दिया इन्होंने, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था? निश्चित तौर पर इनका परिवारवाद था। अभी बातें यहाँ से शुरू हुई है, माननीय कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी राजनीति में है, आज उनका पोता मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, बेटा सांसद है, आदरणीय राजा सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है और इनका अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट बोर्ड का सचिव है। निश्चित तौर पे बहुत लंबी फेरियस है इस बात की कि इनके यहाँ परिवारवाद जितना पूरी भारतीय पूरे भारत की राजनीति में किसी राजनीतिक दल में इतनी परिवारवाद नहीं है जितना कि केवल भारतीय जनता पार्टी में। ये तो इनके परिवारवाद की बात आई है। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था, आदरणीय डिंपल यादव जी पूरे कोरोना काल में सेवा कार्य में सड़कों पर थी। मुझे बताइए कौन थी, कौन कौन पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की कोई महिला जो पूरे सड़कों पे थी? केवल माननीय डिंपल यादव थी। और आप बताइए उनके अनुभव को आप कब तोल पा रहे हैं? दो बार की वो माननीय सांसद रही है, उनको एक अनुभव वाली व्यक्ति है, एक उच्च शिक्षित महिला और निश्चित तौर पर सौहार्द, अगर किसी सौहार्द को जीने वाली महिला, निश्चित तौर पे उनके आने से निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास होगा और इनको तो स्वागत करना चाहिए। अगर ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि कितनी बेटी बचाते हैं कितनी बेटी पढ़ाते हो सारा देश जानता है, चाहे चिन्यानंद जी हो, चाहे इनके 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 गृह राज्य मंत्री चिन्यानंद जी हो, चाहे सहगल जी हो, इनकी तो सब जानते हैं कितने बेटी बचाओ कितनी बेटी पढ़ाओ वाले लोग हैं।
निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ माननीय डिंपल यादव जी की उस सोच को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को और युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिया उसका पालन करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर। जी भुवन जोशी जी, देखिए लगातार इस सीट पर यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, लेकिन इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे, फिर रामपुर लोकसभा सीट की हम बात करें, आजमगढ़ की, वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी की जीत हुई थी, तो क्या गारंटी है कि इस बार ऐसा नहीं हो सकता? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ जा रहे हैं कि ये जो चुनाव है यहाँ मैनपुरी का भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो, और जनता इनको जवाब देना चाह रही है कि वो नेताजी से कितना स्नेह करते थे, नेताजी से उनका पारिवारिक नाता था, और आदरणीय डिंपल यादव जी जो आज ही आबादी को प्रतिनिधित्व करती है वो कितने आसानी से महिलाओं की समस्याओं को सदन में से लेकर सड़क तक उठा सकती है, सक्षम है, ये बताने को काफी। और जब परिणाम आएगा जारा जी तो मुझे भी बुलाइएगा, इनको भी बुलाइएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका वोट कहां है और हमारा वोट कहां है। चलिए ठीक है, राजेश सिंह जी, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे लेकर आप लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, सीट पर क्या कहकर जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि लगातार सपा इस सीट पर परचम लहराती आई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं वो भी मायने रखेंगे, और आप लोग क्या कुछ बातें बोलकर या क्या कुछ ऐसे वादे करके जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे इस बार? देखिए जयराज जी, सपा का बोलबाला तो रामपुर में भी था, आजमगढ़ में भी था, लेकिन क्या हुआ, तो अब जनता समझ चुकी है सपा सरकार में जो बैंक का रिपोर्ट है कि 97,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ जा रहा है, तो उस घोटाले को पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है, एक बात। दूसरी बात की डिंपल जी के तो सपा सरकार में जो अखिलेश जी की सरकार थी तो लगातार उनके गहनों की जो संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी, उनकी जो संपत्ति थी वो बढ़ती जा रही थी, अब गहने तो कोई बन नहीं रहे हैं, तो ये लोग जम करके जब सपा की सरकार थी लूटपाट किए हैं और गरीब जनता के पैसों को इन्होंने अपने जेबों में रखा और सरकारी धन का जो बंदरबाज और लूटपाट इन्होंने किया उस सब चीजों को लेकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो जहां से गड्ढे शुरू होते हैं प्रदेश जारी जाती थी, अब जहां से चमचमाती सड़कें शुरू होती है और तमाम इन्वेस्टर आ रहे हैं और उद्योग बढ़ रहे हैं और लगातार विकास के पथ पर जो प्रदेश आगे जा रही, गंगा मुक्त जो प्रदेश हो गया, इन सब मामलों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता पसंद भी कर रही है, तो जैसे इनका भ्रम था रामपुर में और आजमगढ़ में टूटा और वो यहाँ भी टूटने वाला है जयराज जी, तो ये इस चक्कर में न रहे कि भाई हम मुलायम सिंह जी के नाम पर या जातिवाद के नाम पर या परिवारवाद के नाम पर, और अच्छा दूसरी बात, इन्होंने आरोप लगाया हमारे ऊपर पंकज सिंह जी का या और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के जो लड़के हैं, तो वो लोग जमीन पे काम करके तो वो आ रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई आप दो ऐसा नहीं कि एक ही परिवार के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, हम तो बात करते हैं परिवारवाद का कि जो मूल होता है पार्टी का, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, प्रदेश अध्यक्ष हो गया, तो ऐसे पदों पर या कोई मुख्यमंत्री हो गया या प्रधानमंत्री होगा, आप बताइए कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के तो कई बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आप ये नहीं कह सकते कि एक ही परिवार के या एक ही बाप बेटा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, तो हम इस बात को कहते हैं कि भाई हम परिवारवाद नहीं, एक लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं भुवन जी, कुछ यहाँ पर सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, कहिए भुवन जी। चाहता हूँ इसके साथ साथ आप देखेंगे मैनपुरी में जवाब दे जा रहा है मैनपुरी का किसान इनको, क्योंकि याद होगा आपको अच्छे से लखीमपुरी में इनका जो गृह राज्य मंत्री है उसका बेटा अपनी थार की धार दिखा के अपनी सत्ता की चमक दिखाता है और किसानों को की हत्या कर देता है, इसके बाद भी इनके अभी मंसूबे पूरे नहीं हुए, अभी गृह राज्य मंत्री फिर दोबारा कहते हैं कि किसानों के नेता को कहते हैं 2 कौड़ी का व्यक्ति, किसान इनको बताएगा कि ये कितने कौड़ी के हैं इस बार बताने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा विषय आ जाइए परीक्षा माफिया, लगातार योगी सरकार में हावी है, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, यहाँ का युवा और यहाँ का विद्यार्थी इनसे नौकरी ना देने के लिए और बार बार परीक्षा लीक करने के लिए इनसे जवाब मांगेगा कि परीक्षा माफिया अब तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं है, क्या इनकी फिक्सिंग है परीक्षा माफिया से, तो युवा और विद्यार्थी भी जवाब मांग रहे हैं इनसे, किसान इनसे जवाब मांग रहे हैं, बेरोजगार जो मजदूर है वो इनसे जवाब मांग रहे हैं, निश्चित तौर पे इनको जवाब देना है, और जो एक पॉइंट
ब्रिटिश के कारण उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुना तहजीब है, जो सौहार्द इन्होंने खराब कर दिया है, उसका जवाब इनको मैनपुरी के चुनाव में आप देखेंगे वहां की जनता। चलिए ठीक है, वो तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि मैनपुरी की जनता क्या फैसला लेती है। राजेश जी, लेकिन शिवपाल यादव की जो करीबी है रघुराज शाक्य से, इसका फायदा आपको मिलेगा चुनावों में या नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है उनका नाम सामने आने की। नहीं देखिए जयरा जी, हम तो ये सीट जीतने जा रहे हैं। अभी ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो 2022 में सब मुद्दों को तो प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कौन षड्यंत्र करता है, कौन दंगा करता है, कौन तुष्टिकरण के नीति पे जो है वो प्रदेश को चलाना चाहता है, और कौन भ्रष्टाचार करता है, कौन अपराधियों को संरक्षण देता है। तो ये जनता सब जानती है ना। तो सपा की सरकार में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है, और प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। और वहाँ की सारी जनता, हम कोई जातिवाद नहीं कि शिवपाल जी का के करीबी है या जो भी मामला है, ये सब मामला नहीं। मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को पूरे प्रदेश की जनता पसंद कर रही है, और वो राजपुर में भी आपने हॉस्पिटल देखा, और वहाँ आजमगढ़ में भी आपने देखा, 2022 की विधानसभा चुनाव में आपने जा रहा जी देखा। तो जनता इसका जवाब दे रही है और लगातार दे रही है, इसलिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो सीट हम जीत के आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि चुनावों में क्या कुछ होता है। रघुराज शाक्य और डिंपल यादव के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। We'll be right back.